यार पिछले 2 हफ्ते से सभी मुझे कह रहे थे कि घर बैठ जाओ, क्योंकि हालात जो है वो वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मैं नहीं मान रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ठीक है, थोड़ी सी अपनी प्रिकॉशंस कर लो तो गुजारा करना है, लाइफ को भी रन करना है, तो आस्ता आस्ता से चलते हैं। तो 3 दिन पहले यहाँ मेरे शहर से ही न्यूज़ आई है कि 5 बंदों को जो है वो वायरस हो गया है इधर मैनचेस्टर में। जो 5 हैं वो टैक्सी ड्राइवर थे, ऊबर में काम करते थे। तो उनमें से एक जो है वो लड़का था, तकरीबन उसकी उम्र थी 32 साल। तो उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो मेरा हिल गया था कि वाकई में इसको सीरियस लेना चाहिए। जब से ये खबर सुनी थी तो उस दिन से ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं काम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो पहले से ही कमज़ोर है। क्योंकि मेरी नींद जो है वो 3 से 4 घंटे है या 5 घंटे मैक्सिमम। तो डॉक्टर बार बार ये कह रहे हैं कि आप 8 से 10 घंटे अपनी नींद पूरी करो तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मतलब अपनी पोजीशन पे होगा, कि वो बेहतर तरीके से बीमारियों से लड़ सकेगा। तो मुझे क्योंकि अपनी हेल्थ के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा पता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे इंसोमनिया है, नींद बिल्कुल नहीं आती। तो फिर मैंने 3 4 दिन से, फिर बल्कि मतलब ये आज चौथा दिन है, तो मैंने बस हैंड्स अप कर दिए कि नहीं यार, अपनी जो है वो एहतियात करनी है। तो अभी मैं विटामिन सी ले रहा हूँ, जो कि डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि विटामिन सी और डी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती है, और मतलब आपकी जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है आपके जिस्म की वो थोड़ी सी बेहतर होती है अगर आपके बॉडी में विटामिन सी और डी हो। तो इसलिए मैंने विटामिन डी और सी जो है वो मल्टी विटामिन लेने 1 2 दिन से शुरू कर दिए हैं। तो उसके साथ साथ मुझे जो एडवाइस आ रही है दोस्तों से और कुछ जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे, वो ये है कि आप रोज़ाना 2 दफ़ा सुबह और शाम को आप स्टीम लें, स्टीम इनहेल करें। और उसके मतलब आपके जो भी मुंह में और नाक में जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो स्टीम लेने से उनकी ग्रोथ में कमी होती है और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके मरने में ये स्टीम काफ़ी जो है ये यूज़फुल है। तो ये भी मैंने स्टार्ट किया है। और मास्क जो है वो लिमिटेड थे और मेरे पास जो है वो रीयूजेबल मास्क नहीं है। तो कुछ लिए थे वो अभी ख़त्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक तो बचा है। इसलिए यही बेहतर सोचा कि यार अपनी ज़िंदगी और सेहत से आगे कुछ नहीं है। अब ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात को क्या मंजूर है। तो ये लॉकडाउन जो है ये 3 हफ्ते भी चल सकता है, 3 माह भी चल सकता है, और 6 महीने भी चल सकता है अगर ये इसकी ग्रोथ कंट्रोल ना हुई। तो मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है, प्रिकॉशंस करें, ज़रूर करें, एहतियात करें। एक भाई है एहसान भाई, पाकिस्तान से हैं। तो उन्होंने कॉल की थी कि उनकी फैमिली पाकिस्तान से आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि उनकी फैमिली को जो है वो एयरपोर्ट से आप रिसीव कर लो। तो एयरपोर्ट पे जाना भी मेरे लिए काफ़ी एक कह लें कि टास्क था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आइसोलेशन में मैंने अपने आप को डाल रखा है कि मैं नहीं किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जाऊंगा। लेकिन अब भाई हैं, इनकार भी नहीं हो सकता। तो जनाब मैंने अपनी प्रिकॉशंस की हैं, अपना जो मास्क है वो पहना और ग्लव्स जो है डिस्पोजिबल वो पहने। तो इस हालत में मैं मतलब एयरपोर्ट की तरफ गया। Thank you.
ਸੱਜਣੋ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। तो जनाब, ये पूरे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के अंदर के मनाजर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग बैठे हैं। ये टोटल यही लोग हैं जो जाने वाले हैं या आने वाले हैं। तो अब देख लें, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे पर रहम करे और इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। गाइज, मैं एयरपोर्ट से वापस आया तो बहुत भूख लगी हुई थी। रास्ते में कुछ यहाँ पे होटल वगैरह तो होते नहीं है उस तरह से, होते भी तो उनमें जो है वो लॉकडाउन है तो बंदा वहाँ से खा ही सकता। तो मैं खा रहा हूँ, तो अभी एक रोटी बना रहा हूँ अपने लिए, जैसी भी बन रही है यार। वैसे अजीब बात है, कभी ज़िंदगी में पानी भी नहीं पिया था अपने हाथों से, तो अम्मी ने कभी कुछ करने नहीं दिया ना। तो भाई जी, परहेज में आके सारा कुछ करना पड़ता था। ये देखें जनाब, मेरी रोटी जो है वो पक रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। तो यार, ये हम बारी बारी सफाई करते हैं, तो इंशाल्लाह जिस भाई की बारी होगी सफाई करने की, वो सफाई करेगा। कल मैंने दाल बनाई थी तो वो अभी तक थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो जनाब, आज इस भाई की बारी है, वो अभी काम से आएंगे 6 बजे, तो उसके बाद वो आके तो हांडी बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि जनाब दाल के साथ अब गुजारा करते हैं। ये रोटी थोड़ी सी जल गई थी, बन गई है। एनीवे, भूख लगी हो तो सब चलता है। तो अभी खाना खाने के बाद मैंने करनी है अनबॉक्सिंग अपने कैमरा की। काफ़ी महीनों से मैंने ये सोचा था कि व्लॉग जो है वो मैं अपने स्मार्टफोन से बनाऊंगा, लेकिन इसमें मुझे जब मैं 50 इंच की स्क्रीन पे देखता हूँ टीवी पे अपनी वीडियो, तो बिल्कुल उसकी क्वालिटी बकवास ही आती है। तो सोचा था एक कैमरा लूँगा, तो पाकिस्तान में काफ़ी जो व्लॉगर्स हैं उनके कैमरेज को मैंने देखा कि वो कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं जो कि बजट हो, क्योंकि मेरे अभी तक मतलब 20 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो मुझे इतना महंगा कैमरा तो लेना नहीं है कि जो मतलब है कि कोई हाई टेक्स हो उसमें। तो मैं देख रहा था कि कौन कौन से कैमराज जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं व्लॉगिंग के लिए। तो उसमें मुझे एक जो है वो कॉम्बिनेशन मिला कैमरा का, जो कि DSLR है और मिररलेस है, कि दोनों कैमरास दोनों के 2-in-1 है। तो फिर वो रिव्यू देखने के बाद वो मुझे कैमरा जब मैंने चेक किया तो उसकी वो पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख रुपए का था, तो यहाँ पे तकरीबन उसकी कीमत जो है वो पूरी किट जो व्लॉगिंग की आती है वो उसमें आपको मिलती है तकरीबन 800 पाउंड, 700 से 800 पाउंड तक की, तो वो बन जाती है 1.5 लाख रुपए की किट। तो मैं सोच रहा था कि यार कोई कैमरा इस तरह का मिले जो कि वीडियो बनाने में आसान हो, उसके ज़्यादा टैकी ना हो, और स्कूल जैसे DSLR होते हैं। तो लकीली आज मुझे वो कैमरा मिला। और गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ खाना खाने के बाद कैमरा। अल्हम्दुलिल्लाह, दाल का टेस्ट ठीक है, अभी ख़राब नहीं हुई क्योंकि फ्रिज में रखी नहीं थी। सर्दी वैसे इतनी होती है कि ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रिज में रखने की। तो गैस, ये है हमारा मिररलेस कैमरा जिसकी हम लोग करने जा रहे हैं अब अनबॉक्सिंग। तो एक्चुअली दिस इज द कैनन्स EOS M50। तो ये मिररलेस कैमरा है, तो आइए गैस इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गैस, ये हैं इसकी कैनन की बुकलेट्स जो कि कभी किसी ने पढ़ी नहीं होगी मेरे ख्याल से। गैस, ये है स्ट्रैप, और ये है हमारा M50D। आपको नजर आ रहा होगा
ये कैमरा लेने की सबसे बड़ी वजह ये थी, इसकी LCD थी। जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो आप अपना जो है वो फेस देख सकते हैं कि आप किस जगह पे किस एंगल पे आप वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, और उसमें आपकी जो वीडियो आप बना रहे हैं वो उसमें वो सारा बैकग्राउंड कवर हो रहा है या नहीं। इसलिए मैंने इसको लेना जो है वो मुनासिब समझा, क्योंकि ये कैमरा जो है ये इसलिए वेरी यूज़फुल था मेरे लिए। तो इसके साथ हमें मिलता है बैटरी चार्जर। तो आई थिंक इस कैमरा में कैनन में आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किए DSLR कैमरास, तो इसमें आई थिंक जो बैटरी है वो आपको चार्जर में लगा के चार्ज करनी होती है। और वैसे जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट कैमरास हो वो तो प्लग इन जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ आप कर सकते हो चार्ज। तो आई थिंक इसकी जो एक चीज़ यह है कि इसकी बैटरी का मैंने जो रिव्यू देखा था, इसकी बैटरी जो है उसकी टाइमिंग बहुत कम है, तो आई थिंक मुझे इसके लिए एक और बैटरी जो है वो ख़रीदना पड़ेगी। तो ये है, काफ़ी टाइनी सी बैटरी है। और ये है जी इसका लेंस। अब इन चीज़ों के बारे में मुझे टोटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये मिररलेस या डिजिटल कैमरा यूज़ नहीं किया। अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि ये लेंस है ये मेरे लिए, मतलब ये इस्तेमाल मुझे ये मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि ये लेंस जो है ये व्लॉगिंग के लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन आई थिंक ये किट लेंस है, 15x45mm का जो लेंस है। तो अब मुझे इसका नहीं आइडिया कि ये क्या सीन है इसका। ऑलराइट, तो ये गाइस लेंस है 15x45mm। आई हैव नो आइडिया टोटली ये किस लिए है, ये फ़ोटोशूट के लिए है या कि वीडियो शूट के लिए। एनीवे जब चलेंगे साथ तो देखेंगे क्या सीन है। इसमें गाइस एक ये सबसे बड़ी वजह थी कि इसमें जो है आपका एक्सटर्नल माइक लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसका जो देखा था रिव्यू तो मैंने सोचा कि इसके साथ, क्योंकि आज का जो DSLR आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके कैमरास जो हैं उनकी जो ऑडियो क्वालिटी है उनके बिल्ट इन माइक की वो बड़ी बेसुरी सी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो ये लेंगे। इसमें ये मैंने देखा कि इसमें 3.5mm जो ऑडियो जैक है इसकी इसमें थी, तो मैंने को सोचा कि एक तो इसकी LCD मुझे काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी कि ये आपको बड़ी सपोर्ट करेगी व्लॉगिंग में, और दूसरा मैंने ये देखा कि इसका जो ऑडियो माइक जैक है ये मैंने सोचा कि ये भी मतलब काफ़ी यूज़फुल होगा। तो बाकी इस कैमरे के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। और इस साइड पे आपको मिलता है NFC और HDMI पोर्ट। तो एनीवे नो आइडिया नो डिटेल्स। वाओ, रोटेट द लेंस टू एनेबल शूटिंग, नो आइडिया। आई थिंक ये लगा तो हुआ है। अब जी सबस चाय पियेंगे? सबस चाय नहीं पीते? ये देखिए आपको आज नया आइटम दिखाते हैं सबस चाय बनाने का। एक मिनट में सबस चाय तैयार। केटल में पानी उबाला। अच्छा, ये हाँ किसी को पैसे तो नहीं करता है? किसी को ख्याल पैसे नहीं? रखना, इस पर भरोसा मत रखो। नहीं मैं, ये मेरे अंकल हैं, अंकल आरिफ, बहुत कमाल के आदमी है, यकीन करें। ये आदमी है तो यही है, ख्याल रखना, बच के अल्लाह रहो, बहुत चालू माल है। माफ करें अंकल, मैं चालू माल कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। चालू माल तो मैं सेंडर है, चालू माल से कहे चालाक है। अच्छा, चलाक। अच्छा हाँ, ऐसे वो बोल। दूसरे तरफ नहीं बनता अंकल फिर नहीं पीनी सबस चाय? वो भी क्या चाय है कि 2 घंटे लगाए बंदा सबस चाय बनाने में। बस निकाली पैकेट से, कप में डाली और केटल से बॉयल वाटर डाला। मरे जा रहे हाँ एक मिनट।
अच्छा अच्छा तो काम करने वाले को मैंने कहा मैं बस ऐसे आपस की बात है वो मजा नहीं है वैसे आपस की बात है ठीक है गुजारा है तो आखिर में तमाम दोस्तों को तमाम पाकिस्तानियों को तमाम जितने भी सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको एक बड़ी बहुत ज़्यादा मुफीद इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में कि रिसेंटली फ्रांसीसी डॉक्टर्स और जो इंग्लैंड के माहिर तिब हैं इन्होंने जो सर्वे किया है जो भी पेशेंट इनके पास आ रहे हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तो उनके सर्वे के बाद इन्होंने ये अपडेट दी है इनकी एक वेबसाइट है इंग्लैंड की BMJ तो उसके ऊपर उन्होंने अपडेट दी थी कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें से जिन लोगों ने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ली थी मतलब आइबोब्रूफन या इस तरह की कोई भी इन्फ्लेमेशन वाली जो मेडिसिन है वो जिन्होंने भी खाई थी थोड़ा सिम्टम को रिलीव करने के लिए तो उनके सिम्टम जो थे वो ज़्यादा तश्वीशनाक थे और उन्हें उसी तश्वीशनाक हालत में हॉस्पिटलाइज किया गया तो गाइस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अल्लाह ना करे किसी को भी किसी दोस्त को भी अगर कोरोना वायरस के सिम्टम हैं उसमें तो प्लीज़ काइंडली सिर्फ़ और सिर्फ जो डॉक्टरों ने रेकमेंड किया है वो पैरासीटामोल है और पैरासीटामोल का इस्तेमाल कीजिए और आइबोब्रूफन या कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि उनसे सिम्टम ज़्यादा वर्स हो जाएंगे आपके तो अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।